तो गाइस इसमें आ चुके हैं सिद्धला माई के धाम पे। केला क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है? धार से अनुज बेच रहा है। कुछ दिखा नहीं तू बेच, बहुत माल बेच दिया, कुछ बेचा नहीं। कितना बेचा है? लगभग 150 रुपए बेच दिया है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज भी देखे टेम्पो लेके जा रहे हैं, पर आज दोपहर हो गया जरा और मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ज़्यादा धूप भी नहीं है। चलिए गाइस चलते हैं, आज हो सकता है सिद्धला माई खान को भी जाएंगे, निजामाबाद जो पड़ता है, अगर चलेंगे तो दिखाएंगे जो भी सीन होगा। चलिए गाइस चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या सीन होगा, आज सवारी वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, कि आज खाली घूमते ही है। सो गाइस देखिए, आ चुके हैं डायरेक्ट यहाँ निजामाबाद। अभी हो सकता है सिद्धला माई के थान पर चलेंगे, आज सिद्धला माई के थान है, वहाँ मंदिर है, पूजा जो वगैरह होता है। चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं मेला वगैरह नहीं लगा है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर निजामाबाद में भीड़ है पूरा। तो गाइस इसमें आ चुके हैं सिद्धला माई के धाम पे। केला क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है? धार से अनुज बेच रहा है, कुछ दिखा नहीं तो बेच, बहुत माल बेच दिया, कुछ बेचा नहीं। कितना बेचा है? लगभग 150 रुपए बेच दिया है। क्या तुम्हारा घर है? अराहाबाद से आया है। तो कुछ खर्चा पानी करवा? अभी पैसा नहीं है, मम्मी को दे दिया। देखिए खर्चा पानी के नाम बोल रहा कि मुझे पैसा नहीं है, मम्मी को दे दिया हूँ। अब देख सकते हैं गाइस उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं सीन क्या होता है। अभी दोपहर का टाइम है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ मंदिर, अब भीड़ तो कम है, पर अब दोपहर हो गया, लगभग 1 बजने वाला है, इसलिए भीड़ कम है। और यहाँ पर चुनरी वगैरह बेच रहा है सभी लोग, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ भी है थोड़ी बहुत, और दोपहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस देखिए आ चुके हैं सोफीपुर, वहाँ से सिद्धला माई खान से, अब यहाँ से चलेंगे घर की ओर, मंजारी, मंजारी से घर की ओर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप हो गई इसमें। तो गाइस देखिए इसमें घूमते घूमते आ चुके हैं मंजारी जनेगंज में। चलिए गाइस चलते हैं, देखिए जनेगंज मंजारी बाजार वाली है, यहाँ सो के निकल कर निकल के चलेंगे घर की ओर, इसमें दोपहर का टाइम है, आप भाड़ा वगैरह नहीं मारेंगे, दोपहर हो गया, धूप लग रही है। मेरा जनेगंज का बाजार। चलिए गाइस भाड़ा मिलता है, ठीक नहीं मिलता तभी चलेंगे घर की ओर। देखिए सुना चुके हैं घर, और देखिए पार्सल लेकर आ चुके हैं भाई साहब, और देखते हैं इसमें क्या है, अभी निकालेंगे तब दिखाएंगे आपको। अभी निकालेंगे, इसमें गन है, अभी लेते हैं इनसे, फिर पैसा वगैरह देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सो भाई देखिए पार्सल खुल रहा है, भाई साहब डिलीवर कर दिए हैं, अब देखते इसमें माल ओरिजिनल आया कि लोकल लेकर गए, लोकल लाएंगे तो पैसा नहीं दिए। माल तो बहुत सो गाइस पिस्टल पिस्टल मंगाए थे हम लोग, अब इसको चेक करते हैं सही है कि गलत है, खराब है, कैसा क्या है, चेक करने के बाद पता चलेगा। पूरा खड़ा चीज है एकदम जना रहा असली में, पर इस गाइस नकली है, असली है नहीं, खींचने वाला है। उड़
अब इनको पहले सूट करते हैं। तो गाइस पार्सल ठीक मिला है, अब इनको पैसा देते हैं, चले जाएंगे, देखते हैं क्या सिस्टम होता है। सो गाइस जो हम लोग पार्सल मंगाए थे ये है लाइटर गन, ये असली गन नहीं है, लाइटर गन है। तो ओरिजिनल आया है, जो अपना मंगाए थे वही आया है। तो गाइस यही है, देख सकते हैं जना रहा जैसे असली, पर असली है नहीं, ये लाइटर गन है। चले गाइस इसको यूज करते हैं। तो गाइस देखिए चुन्नू आ गया इसमें घूमते घूमते, और आते ही बैठा था एक लड़का और बैठ गया। ये देखिए जो हमारा खटिया है टूट गया, ये खटिया पूरा टूट गया, इसको देखिए सो रहा है उसमें, टूटी हुई खटिया में। क्या रे खटिया कैसे तोड़ दिया मेरा? वहां बैठा था कि यहाँ बैठा था? कैसे टूट गया? कैसे टूट गया? तुमने तोड़ा है? देखो देखो खटिया टूटी नहीं, देखो कहा दूसरा ही, तुमने खटिया तोड़ दिया। कहाँ से काट लिए? हाओ कहाँ हो? चलिए गाइस इसको देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, खटिया तोड़ दिया है दो तीन लोग बैठ के। सो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।